आने वाले 17 नवंबर को शहर में विधानसभा चुनावों की वोटिंग है और इसके तहत अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लुभाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू अभिषेक चौकसे आज के दिन अपने विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत सदर स्थित काली माता मंदिर से की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी जीत के साथ साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के प्रति भी विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर ही वो जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। भाई साहब, 30 साल से भाजपा के महकमे में कैंट विधानसभा की सीट है, इस बार आपको पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, क्या एक परिवर्तन आएगा? सर्वप्रथम अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। और आप 30 साल की बात कर रहे हैं और 30 साल में क्षेत्र का विकास आपके सामने है, क्या विकास हुआ है, किसका विकास हुआ है? ये कैंट विधानसभा की जनता चीख चीख के चिल्ला रही, सिर्फ एक ही परिवार का विकास हुआ है, वो है रोहाणी परिवार। आज भी कैंट विधानसभा के लोग परेशान हैं, आज यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है खाली पड़े हैं, पर फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे प्राइवेटीकरण हो रहा है, पेंशन बंद हो गई है, क्षेत्र में पानी की समस्या है, कजरवारा भीटा बिलहरी तिलहरी में जो माँ नर्मदा जी के किनारे हैं लेकिन वहाँ पानी की समस्या है, पर्यट 1 किलोमीटर दूर माने गांव है वहाँ पानी की समस्या है, ना रोड है ना नाली है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं, अच्छे शिक्षा के केंद्र नहीं है, इसलिए कैंट विधानसभा की जनता परिवर्तन के मूड में है। इस बार परिवर्तन होगा, 2023 में कैंट विधानसभा से कांग्रेस का विधायक बनेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो 30 साल से रुके हुए विकास कार्य है, अब जनता का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का विकास होगा। जितना विकास रोहाणी परिवार को अपना करना था, मैं नहीं कह रहा हूँ चीख चीख के कैंट विधानसभा की जनता, कजरवारा भीटा बिलहरी में किसकी प्लाटिंगें चल रही हैं, आधार ताल रिछाइयों में किसकी फैक्ट्रियां हैं, आज एक कमरे से आज महलों में लोग पहुंच गए हैं लेकिन आम जनता जहां की वही है, आज वही पन्नी साड़ी कम्बल बांट के उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सब अपनी चलेगा, अब तो क्षेत्र में रोजगार मिलेगा लोगों को, क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र मजबूत बनेगा। आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि कैंट विधानसभा कर्मचारियों की बस्ती है, 5 फैक्ट्रियाँ होती थी यहाँ पे जो लाखों की तादाद में कर्मचारी थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो जबलपुर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे प्रोफेसर होते थे, आज के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए, और वहीं कैंट विधानसभा का सबसे बड़ा हिस्सा रांची आधार ताल है, वहाँ से 1 स्वास्थ्य केंद्र है वो भी लचर व्यवस्था में है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ पे, टिटनेस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा लोगों को। आज ये सारी चीज जो परेशानियों को देखते हुए आम जनता ध्वस्त हो चुकी है और ब्लॉक मूड में और रूहानी चेहरे से उठ चुकी है जनता। ठीक है।